इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके सर, हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, कि यहाँ पे कोई भी एटम है उसमें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम ऐसे बोल रहे थे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी चाहिए थी ना। यस सर, यस सर। यहाँ पे बोलेंगे बेटा अपन कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस। चेंजेस मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस सेल और आउटमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सर यस सर, नोटबुक नहीं दिख रही आपकी। It is the amount of energy changes taking place when electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom. उसको बोलेंगे electron gain enthalpy. देखो बेटा isolated gaseous atom में कैसे, जैसे ये एक electron है अपने पास, element है x, इस element में हमने एक electron add किया तो add करेंगे तो add करने के बाद anion बनेगा, ये atom है gaseous state में, तो ये जब एनायन बनेगा प्लस जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो प्लस जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी जो रिलीज करेगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो उसके जैसे जैसे यूजुअली क्या होगा कि इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। इस बात का ये मतलब है कि एनर्जी इज रिलीज, दैट इज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एलिमेंट्स में तो एनर्जी रिलीज होगी यूजुअली, ये ऑलवेज नहीं है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी आएंगी वो भी बताएंगे अपन इसमें कि किन किन में नहीं होगी। उसके बाद जैसे उसमें अपन ने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था कि सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसी तरीके से इसमें बेटा अपने पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। इट इज़ द एनर्जी चेंजेस एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द isolated gaseous atom. It is the energy changes taking place during successive addition of electrons to the isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom में जब successive addition करेंगे हम electrons का तो उसमें कितनी energy changes होगी। अब changes का मतलब absorb, और इसके अंदर हमेशा changes भी नहीं बोल सकते बेटा, ये कह सकते हैं कि energy इसमें हमेशा absorb होगी, मतलब जो successive ionization enthalpy होगी वो endothermic process होगी always, energy absorb। तो इसका मतलब जो सक्स, और ये क्यों होगा ऐसा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड कर दिया है उसमें
जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड किया है वो इलेक्ट्रॉन जो नए इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, ऑलरेडी ऐड किया है वो इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉन के एडिशन को रेजिस्ट करेगा, यस और नो? यस सर। समझ में आया सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होगी बेटा पॉजिटिव? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड कर दिया तो वो नए इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन को रेजिस्ट करेगा या नहीं? करेगा सर। तो इसलिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखो इसके अंदर जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, फैक्टर्स अफेक्टिंग इजी देखो बेटा जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जैसे एटॉमिक साइज है, बताओ एटॉमिक साइज के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि आउटर मोस्ट सेल साइज बड़ी होगी तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे। यस सर। उसके बाद सेम ये कह सकते हैं हम एटॉमिक साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने ज्यादा होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईजी, जैसे हमने यूजुअली नेगेटिव बोला है, ईजी ऑफ नोबल गैसेस ग्रुप 18 एलिमेंट्स की, नोबल गैसेस कौन से हैं अपने पास ग्रुप 18, उनकी क्या होगी? जीरो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जीरो, क्योंकि उनका इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज उनका आउटर मोस्ट सेल इज फुली फिल्ड। यस और नो? यस सर। आउटर मोस्ट सेल फुल भरा हुआ है। देखो आपके पास अगर सौ रुपए हैं तो मैं ये कहूंगा कि बेटा एक रुपया और ले लो, तो एक रुपया लेने की कोशिश नहीं करोगे ना तुम, क्योंकि सौ रुपए का एक नोट है तुम्हारे पास। अब एक रुपया लेोगे तो तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा, तो चेंज वो उसको बियर करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा ना। यस सर, फुल्ली फिल्ड रहना पसंद करेंगे। हाँ फुल्ली फिल्ड, समझ गए? यस सर। अब जैसे इसके अंदर बात करें अपन जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के अंदर NS2 भरा हुआ है, S के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो S फुल है ना? यस सर। तो इनकी ईजी ये भी बहुत कम होगी, इनकी लेने की टेंडेंसी। Yes, sir. उसके बाद देखो 15th ग्रुप है बेटा, 15th ग्रुप, 15th ग्रुप की जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताई हमने डिस्कस की थी, NS2NP3 होती है। बोलो। यस। तो NS2NP3 में P क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया ना P? यस सर। तो हाफ फील्ड हो गया तो इसकी भी बहुत कम होगी ना, तो इनकी अगर हम वेरी लेस कहेंगे तो इसकी लेस कहेंगे। यस और नो? यस सर। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपन बात करें कि ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराएंगे तो ओ ऑक्सीजन है बेटा, अपन ने ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एडिशन कराया इसमें तो ओ माइनस में बदल जाएगा गैसियस स्टेट में, तो इसमें ये प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसकी जो इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई जी वन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वन, और ये ई जी एच वन जो होगी ये नेगेटिव होगी। अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो दूसरा हम किस में कराएंगे? ओ माइनस में। तो ओ माइनस में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओ टू माइनस गैसियस। अब इसके अंदर जो जो ई जी एच टू होगी, ई जी एच टू सक्सेसिव हमेशा पॉजिटिव होगी बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर देंगे हम वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्शंस, और उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी हमारे को सप्लाई करनी पड़ेगी। यस और नो? यस सर। उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इससे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे अपने इनको कंपेयर करना हो अपने को अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, जैसे अपने पास है
सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन। सर यस सर एक बार वापस बता दो कि ये पॉजिटिव में क्यों आएगी। बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने ऑलरेडी, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा हो गया तो रिपल्शंस ज़्यादा होंगे या अट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे? अब रिपल्शंस, रिपल्शंस ज़्यादा होंगे तो रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमारे को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या यस और नो? यस सर करनी पड़ेगी, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या होगा उस केस में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव बढ़ेगी? यस सर। अब देखो इनमें बात करें हम तो इनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम नोबल गैस की होगी नियोन की, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है। नियोन के बाद बताओ क्या आएगा, बेरिलियम आना चाहिए क्योंकि बेरिलियम में 2s2 हो जाएगा ना। यस सर बताओ बेरिलियम के बाद कौन आएगा? देखो बेरिलियम के बाद, देखो बेटा अभी जो बताया था लेस वेरी लेस नाइट्रोजन आएगा क्योंकि नाइट्रोजन में P3 हो गया ना, हाफ फिल 2P3। अरे अभी तो बताया था अगर उसकी लेस होगी तो उसकी वेरी लेस होगी नहीं? यस सर। इसके बाद बोलो, इसके बाद फिर वो जनरल साइज का कंसेप्ट लगा दो। देखो उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है तो बोरोन, बोरोन के बाद लिथियम की छोटी साइज है इसलिए वो अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए लिथियम की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लिथियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की। यस और नो? यस सर। क्योंकि फ्लोरीन के देखो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 7, अगर आपके पास मान लो 99 रुपीज़ है तो आपकी 1 रुपया लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी ना। यस सर। तो इसलिए ऐसा होगा इसके अंदर, 1 रुपया लेके जब तुम मोर स्टेबल बन जाओगे, मोर स्टेबल बन जाओगे तो एनर्जी रिलीज करोगे या एब्जॉर्ब करोगे? अरे बोलो, रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखो बेटा ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए था, अब मान लो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर भी कंपेयर करना हो तो मैं वैसे बता रहा हूँ जनरल, तुम्हारे को या नियोन की जगह पे आर्गन आ जाएगा, आर्गन के बाद बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है नहीं आता है? यस सर। अब देखो नेक्स्ट तो उसी के अकॉर्डिंग अपन प्रेडिक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें जैसे जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, देखो टॉप टू बॉटम अगर हम जो साइज का कंसेप्ट लें बेटा, इसमें साइज अभी पढ़ा था, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ना? यस सर। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है एक तो, और एक थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, तो सेकंड थर्ड पीरियड तो ग्रुप में नीचे आएंगे ना बेटा? सर थर्ड पीरियड क्या? थर्ड पीरियड तो ग्रुप में नीचे आएगा, सेकंड पीरियड के नीचे आएंगे ना थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स तो? यस सर। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स में, जैसे अपन कंपेयर करें सेकंड पीरियड में, देखो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है अपने पास, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर। ये सेकंड पीरियड का है और सल्फर थर्ड पीरियड का है। उसके बाद सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन के बाद आता है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन आता है? क्लोरीन। तो अपने अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है ना? यस सर। तो सल्फर बड़ा होगा ऑक्सीजन से और क्लोरीन बड़ा होगा फ्लोरीन से। तो टॉप टू बॉटम, देखो बेटा इसमें टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इनकी बढ़ रही है। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यस और नो? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो साइज जब क्लोरीन की ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर कम होनी चाहिए सर, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए ना। लेकिन क्या होता है देखो इसमें, जैसे फ्लोरीन है बेटा, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 7। अब दोनों में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें साइज फ्लोरीन की छोटी है और क्लोरीन की साइज बड़ी है,
तो इसमें जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इसकी छोटी साइज़ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी हाई। चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज अपॉन साइज, तो साइज छोटी है फ्लोरीन की, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? हाई, कम होगी। हेंस इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी एडेड इजीली। चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली ऐड नहीं कर सकते बेटा इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ऐड नहीं कर सकते तो क्या होगा इसके अंदर? चार्ज डेंसिटी इज हाई, हेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एडेड इजीली। क्लोरीन के केस में क्या होगा? क्लोरीन के केस में चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब मोर नेगेटिव क्लोरीन के केस में होगी ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, और मतलब क्लोरीन की ईजी मोर नेगेटिव, यस और नो? बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस सर। ऐसा ही सेम बात ऑक्सीजन और सल्फर में लगेगी। देखो, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सल्फर के भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर के ऊपर कम होगी और ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन और सल्फर के कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रॉन सल्फर में ऐड होगा या ऑक्सीजन में? सल्फर में ऐड होगा। तो मोर नेगेटिव किसके केस में होगी? यस सर। वी कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, तो मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। समझ गए? अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तुम्हारे जो लेवल की है इतनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो अभी बहुत डिटेल में है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस बताता हूँ मैं पहले, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये कुछ टर्म देखने से एक जैसी सी लगती हैं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द टेंडेंसी It is a tendency of an element to attract shared pair of electrons towards itself. किसी element की ये tendency होती है अपनी तरफ shared pair of electrons को attract करने की। और इसकी definition हमने पढ़ी थी कि it is the amount of energy changes taking place when electron is added to the isolated gaseous atom. When electron is added to the आइसोलेटेड गैसियस एटम, जब गैसियस एटम में वो एक रिलेटिव टेंडेंसी है और ये एनर्जी चेंजेस है, तो इसका मतलब इसकी रिलेटिव टेंडेंसी है तो ये नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होगी किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी या कैलोरी पर मोल, इस तरीके से इसकी यूनिट्स होंगी बेटा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये रेगुलर पीरियोडिसिटी होती है इसकी। और देखो, इसमें अभी अपन एक्सेप्शन पढ़ रहे थे ना, अभी बोला था कि साइज के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अभी अपन ने क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा कर दी थी ना। यस सर। तो ये पीरियोडिसिटी क्या होगी इसके अंदर? पीरियोडिसिटी इज इररेगुलर, और ग्रुप में भी इररेगुलर आई थी ना अभी, जो लिथियम और उन सबको कंपेयर किया था जब हमने,
तो इसके अंदर जैसे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा पोलिंग के अकॉर्डिंग, वो तुम्हारे को याद रखनी है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पोलिंग, क्योंकि इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट और ये एक अपना एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। अब देखो बेटा कैसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जैसे इसमें किस जो जो वैल्यूज होती हैं इसमें, जैसे लिथियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। देखो लिथियम की याद रख लो इसमें सबसे पहले, फिर बहुत आसान है, इनकी तो 0.1 का डिफरेंस है। लिथियम की जो होती है वो होती है 1.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम की 0.9, फिर 0.1 कम कर दो, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8, सीजियम की होती है 0.7। उसके बाद जैसे सेकेंड ग्रुप आता है, देखो बेरिलियम, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे इसकी 1.0 थी तो 0.5 से बढ़ाते चलो, 1.5। बेरिलियम के बाद आएगा बोरोन, तो 1.5 के बाद आ गया 2.0, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन की होगी 2.5, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की होगी 3.0, ऑक्सीजन 0.5 से बढ़ाते जाओ 3.5, फ्लोरीन 4.0, ये इनकी थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। उसके बाद हाइड्रोजन, सर रुबिडियम की 0.7 क्यों नहीं हुई बेटा, ये इसके अंदर कोई रीजन नोन नहीं है इनका, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है तो इसकी इतनी वैल्यू अज्यूम करते हैं, ये एग्जैक्ट सेम नहीं होती, ये हमने राउंड फिगर में ले रखी है, थोड़ी सी कम होगी रुबिडियम की, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन की भी एग्जैक्ट 4 नहीं है, ये राउंड फिगर में ले रखी है, नहीं तो एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगी ये। ओके सर, उसके बाद देखो ये इसमें याद रखने का आसान तरीका है, 0.5 से बढ़ रहा है, यस और नो? यस सर। अब देखो इसमें 3 की टेबल बोलते जाओ, बेरिलियम सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा ना, तो 3 की टेबल में 3 3 9, उसके बाद 3 4 12, तो 1.2, उसके बाद एल्यूमिनियम 1.5, देखो 3 की टेबल में सेट हो रहा है ना, यस सर। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकन 1.5 के बाद 18 आता है 1.8, उसके बाद फॉस्फोरस 2.1, सही है? यस सर, यस सर। उसके बाद सल्फर, सल्फर अब जरूरी थोड़ी है हर जगह ट्रिक लगेगी, तो इसको अलग से याद रखना है कि सल्फर के अंदर 2.4 नहीं आएगा, 2.5 आएगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग आना चाहिए 2.4, लेकिन इसकी राउंड फिगर में 2.5 लेंगे। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है, और आयोडीन की राउंड फिगर में अपन लेंगे 2.5। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं कुछ, इनको याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस को इनके एप्लीकेशंस में काम आएगी बेटा कहीं भी। अब देखो जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ई एन को, बताओ साइज का क्या रोल होगा इसके अंदर? साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, साइज के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि साइज जिसकी ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यस सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, और क्या कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। शाबाश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसकी साइज इतनी ही ज्यादा होगी, ये उसकी साइज इतनी कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होगी। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके ऊपर, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई भी होगी बेटा। एक ही तो बात है, जब एटॉमिक साइज आ गई तो रेडियाई तो उसमें आएगी आएगी। ओके सर, तो ये इनके जनरल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। एक इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है, वो वैसे तुम्हारे स्कोप से बाहर है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया था ना तुम्हारे को, किस तरीके से निकालेंगे? यस सर, बताए, सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर के थ्रू। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। जैसे हाइब्रिडाइजेशन अपन ने पढ़ी थी बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन जो थी अपने पास, एक थी एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री, पढ़ी थी ना ये? यस सर। देखो इसमें एस कैरेक्टर 50% है, इसमें तीन में से एक एस, तो 33% हुआ।
इसमें चार में से एक है तो 25% हुआ, तो इसमें एस कैरेक्टर, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा एस पी हाइब्रिडाइजेशन में होगी, फिर एस पी टू और फिर एस पी थ्री। अब इसकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम पीरियोडिसिटी क्या होगी इसकी, साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रही है तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। यस सर, टॉप टू बॉटम साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस जनरली, सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये इसके लिए जनरल कंसेप्ट हो गया बेटा अपने। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या काम आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे को, तो इसको अपन बहुत बार लेते हैं यार, बहुत बार एक्सप्लेन करते हैं एसिड बेस बिहेवियर और उनके लिए अलग अलग के लिए डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एप्लीकेशंस में फर्स्ट बेटा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बताओ मेटेलिक कैरेक्टर ये कह सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। क्योंकि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मैंने बताया ऐसे याद रखो कंजूस, तो जो जितना मेटल्स होते हैं इजिली इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर देते हैं, तो कंजूस पैसे लूज करेगा क्या? नो सर। राइट और रॉन्ग? यस सर। नेक्स्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस और नो? यस सर। यस सर। ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो। सेकंड रिएक्टिविटी, देखो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले उसको अपन क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के अंदर ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे याद रखो, जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो दोनों आएंगी, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले, तो देगा कौन बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यस और नो? यस सर। या ले ले, लेगा कौन? नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इतना ही ज्यादा रिएक्टिव। समझ गए? यस सर। यस सर। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले वो इतना ही ज्यादा रिएक्टिव। रिएक्टिव। ब्रो एनी डाउट? नो सर। नो सर। उसके बाद देखो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड जब बनता है, जब जो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी। तो दोनों वो तो बराबर हो जाएंगी, एक में साइन पॉजिटिव आ जाएगा और एक में नेगेटिव आ जाएगा, जब रिलीज करेगा तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव। तो दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी उसकी इतनी ज्यादा होगी। देखो एच एफ, एच आई, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम कम होती है बेटा, एच की तो सब में सेम हो गई ना? यस सर। तो टॉप टू बॉटम कम होती है तो डिफरेंस सबसे ज्यादा एच एफ में नहीं हुआ? बोलो, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा एच एफ की होगी नहीं होगी? अब देखो एसिडिक कैरेक्टर की बात करें हम, तो एसिडिक कैरेक्टर, एसिड वो होता है जो जितनी जल्दी H प्लस दे दे, तो इनमें से जब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो H प्लस जल्दी से नहीं देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा किसका हो गया? एच आई, एच बी आर, एच सी एल, एच एफ। यस और नो? यस सर। ये कंसेप्ट है इसका बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड।